Hello students, welcome back. So after a long time we are starting our new chapter. Our chapter name is Fiber to Fabric. In last class we have covered how we produce fiber and where we are obtained, theek hai, or how we produce fiber to yarn and yarn to fabric. मतलब पूरे प्रोसेस में हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था कैसे हम प्लांट सोर्स एंड एनिमल्स के सोर्स हमारा फाइबर प्रोड्यूस करते हैं, वो हमारी कितने टाइप्स के सोर्सेज होते हैं, वो हम लास्ट क्लास में हम कवर कर चुके थे. ठीक है, इन दिस चैप्टर वी विल कवर अ प्रोसेस. ठीक है, फाइबर प्रोड्यूस करा, उसके बाद हमने कैसे फैब्रिक प्रोड्यूस किया, हमें वूल कैसे ऑब्टेन हुई, प्रोसेसिंग ऑफ सिल्क, लाइफ साइकिल ऑफ सिल्क वर्म, पूरा हम इस चैप्टर में कवर करेंगे. डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स की हम शीप्स पढ़ेंगे, ठीक है, उससे हमें वूल कैसे प्रोड्यूस होती है, कैसे वो प्रोसेस होता है फैक्ट्रीज में, कैसे वो प्रोड्यूस होने के बाद पूरा एक मैन्युफैक्चर होके वो हमें कैसे लास्ट स्टेज पर हमें मिलता है. ठीक है, वो हम चैप्टर में कवर करेंगे. ये चैप्टर बहुत इंटरेस्टिंग है. सिक्स क्लास में भी आपने इस चैप्टर को पढ़ा था, सेवन में भी हम इस चैप्टर को थोड़ा डीपली कवर करेंगे. सो लेट्स स्टार्ट. In class 6, you have learned about some fibers obtained from plants. You also learned that wool and silk fibers are obtained from animals. मैंने बताया था कि sources हमारे, जिससे हमारा fiber, that means जो jute है, वो कैसे produce होता है? Plant source के through, ठीक है? Plant source होते हैं, कुछ animal sources होते हैं, कुछ केमिकल सोर्सेज होते हैं. प्लांट सोर्स से हम, मैंने आपको बताया था जूट ऑब्टेन होता है हमारा, ठीक है, एनिमल सोर्सेज से भी होता है. तो इसमें पढ़ाया था कि इसमें बताया है कि फाइबर्स आर ऑब्टेन फ्रॉम एनिमल. जो वूल और सिल्क होता है वो हमारा कहाँ से ऑब्टेन हो रहा है? एनिमल्स के थ्रू. वूल इज ऑब्टेन फ्रॉम फ्लीस, हेयर ऑफ शीप और याक. जो हमारी शीप होती है, जिसे हम भेड़ बोलते हैं, वो कहाँ से ऑब्टेन होती है? जो शीप के हेयर रहते हैं, जिसे हम फ्लीस भी बोलते हैं, वहाँ से ऑब्टेन होती है. सिल्क फाइबर्स कम्स फ्रॉम कुकून ऑफ द सिल्क मोथ. जो सिल्क है, जो रेशम के धागे जिसको हम बोलते हैं, वो हमें कैसे प्रोड्यूस मिलती है? वो कुकून ऑफ सिल्क मोथ. मोथ मतलब जो रेशमी कीड़ा, जिसको हम बोलते हैं, जिसे हम सिल्क को निकालते हैं, वो पूरी एक लाइफ साइकिल है. कुकून जैसे कैसे ऑब्टेन होता है, वो हम नेक्स्ट हमारा टॉप मतलब लास्ट टॉपिक है सॉरी वो हम लास्ट टॉपिक में कवर करेंगे. वो पूरी लाइफ साइकिल हमको दी हुई है. Do you know which part of sheep's body yield fibers? Are you aware how these fibers are converted into wool yarn that we buy from market to knit sweater? तो आपको कुछ आइडिया है? Do you know which part of sheep? मतलब जो भेड़ के कौन से बॉडी के पार्ट से ये फाइबर्स कहाँ से प्रोड्यूस होते हैं? आर यू अवेयर, आप इस चीज़ से मतलब अवेयर है कि नहीं कि वो कैसे कन्वर्ट होती है यार्न में? मैंने आपको बताया था कि जब प्लांट सोर्स के थ्रू हमने फाइबर को ऑब्टेन किया, फाइबर कन्वर्ट होता है, आप ध्यान से सुनिएगा, फाइबर कन्वर्ट होता है यार्न में और यार्न प्रोड्यूस होता है फैब्रिक में. दैट मींस आवर जूट, जो स्मॉल फाइबर है, दे आर कन्वर्टेड इनटू यार्न. यार्न इज योर थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर. जो मैंने आपको स्टैंड्स बताए थे, स्टैंड्स होते हैं वो, उनको हम यार्न बोलते हैं, ठीक है, और मतलब छोटे छोटे धागे, उस यार्न के बाद they are converted into fabric. That means जो कपड़ा पूरा बन के तैयार होता है वो हमारा फैब्रिक है, ठीक है. फाइबर से यार्न के प्रोसेस को स्पिनिंग बोलते हैं और यार्न से फैब्रिक के प्रोसेस को वीविंग और निटिंग बोलते हैं, बुनना, ठीक है. और फैब्रिक से पूरा जो क्लोथ पूरा बन के आता है उसे हम स्टिचिंग मतलब स्टिच करना, ठीक है. ये मैंने आपको एक ब्रीफ इंट्रो दिया है. डू यू हैव एनी आइडिया हाउ सिल्क फाइबर आर मेड इनटू सिल्क व्हिच इज वूवन इनटू सारी? आपको कुछ आइडिया है जो सिल्क फाइबर मेड इनटू सिल्क, जो सिल्क फाइबर है जिससे सिल्क बनती है, ठीक है, वो साड़ीज में आपने देखा होगा कि रेशम की साड़ी, बनारसी साड़ी, वो उसमें कन्वर्ट कैसे की जाती है. दिस चैप्टर वी शैल ट्राई टू फाइंड आंसर ऑफ दीज क्वेश्चन. ओके स्टूडेंट्स, लेट्स कम टू द एनिमल फाइबर्स वूल एंड सिल्क. फर्स्ट वी कवर अ वूल एंड देन वी विल कवर अ सिल्क. पहले जो एनिमल्स फाइबर्स है, जो एनिमल्स से फाइबर्स प्रोड्यूस होते हैं, दे आर वूल एंड सिल्क. तो वी विल कवर वूल. 3.1 आपका वूल है. वूल कम्स फ्रॉम शीप, गोट, याक एंड सम अदर एनिमल्स. दीज वूल यील्डिंग एनिमल्स बियर हेयर ऑन देयर बॉडी. डू यू नो व्हाई दीज एनिमल्स हैव अ कोट ऑफ हेयर?
Here trap a lot of air. Air is a poor conductor of heat, as you would learn in chapter 4. So hair keeps these animals warm. Wool is derived from these hairy fibers. देखिए इसमें वूल के बारे में बताया कि वूल एक्चुअली आती कहाँ से, ये आप शीप देख ही रहे हैं, इसकी थिक ग्रोथ ऑफ हेयर है, ठीक है, शीप से, गोट से, याक से है, और अदर और भी एनिमल्स होते हैं जिससे हमको वूल मिलती है. दीज वूल यील्डिंग एनिमल बियर हेयर ऑन देयर बॉडी, ठीक है, जो वूल की जो पैदावार है वो इनकी बॉडी पर होती है, ठीक है. ये एनिमल जितने भी होते हैं इनके ऊपर एक कोटिंग होती है, कोटिंग मतलब एक गद्देदार, एक फ्लपी टाइप्स का इनके हेयर बॉडी पर पूरे कवर अप होते हैं, जो क्या करते हैं पूरी बॉडी को, मतलब जो पूरे हेयर होते हैं वो एयर को ट्रैप कर लेते हैं. ये जो वूल मोटे मोटे हेयर्स हैं इनकी बॉडी पर, वो ट्रैप कर लेते हैं एयर को, ठीक है. एयर इज अ पुअर कंडक्टर ऑफ हीट, हम जानते ही हैं कि एयर इज अ पुअर कंडक्टर, एयर जिसमें हमारा करंट पास नहीं होता, कोई इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस नहीं होती, ठीक है. तो एयर इज अ पुअर कंडक्टर ऑफ हीट, ठीक है. तो ये एक नेचर गिफ्ट है इनके लिए, ठीक है. एज यू, इसकी वजह से वो किसी भी इन्वायरमेंट में सर्वाइव कर सकते हैं, ठीक है, और इनकी बॉडी को वार्म रखते हैं, ठीक है, एक कोजी जैसा इनको एक एटमोसफेयर प्रोवाइड करते हैं. सो हेयर कीप्स दीज एनिमल वार्म, मैंने आपको बताया जो इन हेयर की वजह से एनिमल्स वार्म रहते हैं, गर्म रहते हैं. हिल स्टेशन पे ये ज़्यादा पाए जाते हैं, आपने जनरली कभी भी देखा ही होगा, आप लोग कभी ट्रैवल करने जाते हैं हिल स्टेशन पर, तो ये शीप, गोट, इनके मोटे मोटे थिक, और वेराइटीज़ भी अलग अलग वेरी करती है, मैं आपको बता दूँ. Now we have activity number 3.1. Feel the hair on your body and arms, those on your head. Do you find any difference? आपने कभी feel किया होगा आपके जो body पर hairs होते हैं और जो आपके head पर जो बाल होते हैं उनमें कितना difference है. जो अपने hands पे they are lighter than our head hair, ठीक है, और ऊपर वाले जो hair होते हैं वो थोड़े मोटे होते हैं. Which one seems coarse? Which one is soft? So class, okay. We are in. Do you find any difference? Which one seems coarse and which one is soft? जो मैंने अभी हेयर बताया उसमें आपने क्या डिफरेंस देखा? उसमें देखा कि कौन से हेयर्स हमारे सॉफ्ट हैं और विच वन इज अवर हार्ड. कोर्स मतलब हार्श होते हैं, जो थोड़ा टफ हेयर होते हैं, हार्ड, उनको हम बोलते हैं, ठीक है. ओके, नेक्स्ट वी हैव अ लाइक अस द हेयरी स्किन ऑफ शीप हैज टू टाइप्स ऑफ फाइबर दैट फॉर्म इट फ्लीस, ठीक है. फ्लीस मैंने बताया आपको हेयर होता है, ठीक है. द कोर्स हेयर, द कोर्स बियर्ड हेयर, आपने देखा होगा जो मेंस में जो बियर्ड वाले हेयर होते हैं वो थोड़े हार्ड होते हैं, ठीक है, थोड़े ना हैवी होते हैं, तो वो हो गए द कोर्स बियर्ड हेयर. एंड द सेकेंड इज द फाइन सॉफ्ट हेयर, इसको मैं आपको अंडरलाइन कर देती हूँ. द फर्स्ट इज द कोर्स बियर्ड हेयर एंड द सेकेंड इज द फाइन सॉफ्ट अंडर क्लोज टू द स्किन, ठीक है. जो ऊपर वाली लेयर हमारे कोर्स बियर हेयर हो गए, और जो फाइन मतलब अंडर हेयर के जो मतलब जो हार्ड है उसके नीचे वाले पार्ट होते हैं फाइन सॉफ्ट अंडर हेयर, ठीक है. द फाइन हेयर प्रोवाइड द फाइबर, जो फाइन है जिसका नाम सेकेंड वाला है हमारा, जो फाइन मतलब अच्छे हेयर है, फाइन हेयर प्रोवाइड द फाइबर्स फॉर मेकिंग वूल. जो वूल के लिए हमें एक्चुअली जो हेयर चाहिए फाइबर निकालने के लिए वो होते हैं हमारे फाइन सॉफ्ट अंडर हेयर. सम ब्रीड्स ऑफ शीप पोजेसेस ओनली फाइन अंडर हेयर, कुछ टाइप्स की ब्रीड होती है, ब्रीड मतलब नस्ल, ठीक है, शीप्स की, जो प्रोवाइड करती है हमको ऐसे प्रोसेस करने के बाद फाइन अंडर हेयर. देयर पेरेंट्स आर स्पेशली चूजन टू गिव इन बर्थ टू शीप विच हैव ओनली सॉफ्ट अंडर हेयर, ठीक है. बेस्ट क्वालिटी के लिए, बेस्ट प्रोडक्टिविटी के लिए हमको बेस्ट पेरेंट्स की जरूरत होती है, ठीक है. तो हमें क्या मिलता है कि बेस्ट ऑफस्प्रिंग मिलता है जो होता है हमारा फाइन हेयर के लिए, ठीक है. इसमें यही लाइन बताइए और आगे भी इसमें और अच्छे से एक्सप्लेन किया हुआ है. दिस प्रोसेस ऑफ सिलेक्टिंग पेरेंट्स फॉर ऑब्टेनिंग स्पेशल कैरेक्टर इन देयर ऑफस्प्रिंग, मैंने आपको बताया कि अच्छे बेस्ट पेरेंट्स यूज किए जाते हैं हम, ठीक है, उनकी क्रॉसिंग मेटिंग की जाती है, तो व्हाट वी गेट बेस्ट ऑफस्प्रिंग, ठीक है, सच अ सॉफ्ट अंडर हेयर इन द शीप इन टर्म सिलेक्टिव ब्रीडिंग. जो हमने बेस्ट क्वालिटी और बेस्ट प्रोडक्टिविटी के लिए हमने जो पेरेंट यूज करे, जो उसका ऑफस्प्रिंग आ गया, दैट मीन्स उसका बेबी जिसको हम बोलते हैं, तो जो हमने बेस्ट हमने चूज किए थे उसको हम बोलते हैं सिलेक्टिव. सिलेक्ट किया हुआ मतलब हमारे जो हमको पूरी क्वालिटी चाहिए वो हो गया सिलेक्टिव ब्रीडिंग. क्या हुआ? सिलेक्टिव ब्रीडिंग, ठीक है.
एनिमल्स दैट ईट वूल, ऐसे टाइप्स के एनिमल जो हमें वूल प्रोवाइड करते हैं। सेवरल ब्रीड्स ऑफ शीप आर फाउंड इन द डिफरेंट पार्ट्स ऑफ आवर कंट्री। व्हाट टाइप की ब्रीड होती है, नस्ल मतलब, जो हमारे कंट्री में काफ़ी कंट्रीज में पाई जाती हैं, ठीक है। फ्लीज और शीप इज नॉट द ओनली सोर्स ऑफ वूल, जरूरी नहीं है कि जो फ्लीज है मतलब जो हेयर है शीप के, वही है सोर्स है वूल के, और बहुत भी अलग अलग सोर्सेज हैं वूल प्रोड्यूस करने के लिए। सो वूल कॉमनली अवेलेबल इन द मार्केट इज शीप वूल, जो मार्केट में अवेलेबल होती है वो शीप वूल होती है। द याक वूल इज अ कॉमन इज अ तिब्बत, जो याक होती है वो तिब्बत में जनरली पाई जाती है और लद्दाख के रीजन में पाई जाती है। अंगोरा ये वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है, याद रखिए। अभी से जो दो वूल होती है इज कॉमन इन अ तिब्बत एंड लद्दाख, ठीक है। और जो अंगोरा नाम की जो होती है वेराइट ब्रीड वूल इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम अंगोरा गोट, जो एंगोरा जो मतलब ये वूल की नेम्स है, ठीक है, वेराइटी है वो पाई जाती है अंगोरा गोट के थ्रू, फाउंड इन अ हिली रीजन सच एज जम्मू एंड कश्मीर, जो जम्मू और कश्मीर में हमको मिलती है। वूल इज ऑल्सो ऑब्टेन्ड फ्रॉम गोट हेयर, द अंडर फर ऑफ कश्मीरी गोट इज सॉफ्ट, जो अंदर कश्मीरी जो गोट होती है उसके बहुत फर बहुत सॉफ्ट होते हैं। इट इज़ अ वूवन इन टू फाइन शॉल, जो बहुत मतलब बुनाई शॉल उसके थ्रू शॉल्स बनाई जाती हैं। और जो फेमस शॉल है हम लोग जानते ही हैं, नाम भी हमने सुना है, दैट इज कॉल्ड पश्मीना शॉल्स, ठीक है, जो बहुत सॉफ्ट, आपने देखा होगा जितनी वो शॉल सॉफ्ट होती है उतनी ही वो वार्म होती है, ठीक है, बिकॉज वो सॉफ्ट हेयर्स के थ्रू बनाई जाती है। द फर हेयर ऑन द बॉडी कैमल्स इज ऑल्सो यूज एज द वूल, लामा एंड द एल्पेका ये वेराइटी है, लामा एंड द एल्पेका फाउंड इन द साउथ अमेरिका, ये साउथ अमेरिका में पाई जाती है, ऑल्सो ये भी वूल प्रोड्यूस करती है, ठीक है। डायग्राम भी दिए हुए हैं एंगोरा गोट का, ये देखिए गोट नॉर्मली ये है, कैमल से भी मिलता है, एल्पेका ये है, लामा ये है, याक ये है, जिसके थ्रू हमको वूल ऑब्टेन होता है। ये एक्टिविटी नंबर 3.2 है, इसको आप पढ़िए समझिए, इसमें ये डायग्राम है वही दिया हुआ है, पिक्चर्स में क्या क्या वी हैव गिवन, ठीक है, अपनी लैंग्वेज में आपने कभी गए होंगे घूमने, आपने जनरली देखी होंगी, ठीक है, तो ये आप एक्टिविटी कवर कर लीजिएगा प्लीज, कोई भी प्रॉब्लम हो तो यू कैन आस्क मी। अब है नेक्स्ट वी हैव अ एक्टिविटी नंबर 3.3, प्रोक्योर ऑनलाइन मैप ऑफ इंडिया दैट द वर्ल्ड फाइंड आउट द मार्क्स प्लेसेस द मैप वेयर यू फाइंड एनिमल। मैंने बताया कि किन किन प्लेसेस में किन किन रीजन में डिफरेंट टाइप्स की वूल पाई जाती है, कैसे पैदावार होती है, वो आपको मैप के थ्रू देखना है, एक्टिविटी नंबर में यही है सब कुछ, ठीक है। अब है फ्रॉम फाइबर टू वूल, अभी क्या था हमारे पास, देखिए अभी हमारा एनिमल दैट डील वूल, एनिमल जो वूल प्रोड्यूस करते हैं, अब उसके बाद क्या है हमारा फाइबर्स टू वूल, फाइबर से वूल कैसे बना, जो फाइबर ऑब्टेन हो गए हमारे मतलब किसी एनिमल शीप के थ्रू या के थ्रू, अब वो वूल में कैसे कन्वर्ट होंगे वो हम पढ़ेंगे। क्लास प्लीज पे अटेंशन, दीज स्टेप्स आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू, ओके। फॉर ऑब्टेनिंग वूल शीप्स आर रियर्ड, रियर्ड से मीन्स पालन पोषण, उनका जो रख रखाव होता है उसको हम रियरिंग बोलते हैं। देयर हेयर इज अ कट एंड प्रोसेस इन टू वूल, इस इनके हेयर्स को हम कट करना से प्रोसेस करना मैन्युफैक्चर करना, ये पूरा इस प्रोसेस में हम पढ़ेंगे, ठीक है। रियरिंग एंड ब्रीडिंग ऑफ शीप्स, मतलब उनका पालन पोषण करके, उनकी ब्रीडिंग मतलब उनकी पैदावार करके, उन्होंने कैसे उस चीज़ को कवर किया, इस पैराग्राम में हम देखते हैं। इफ़ यू ट्रेवल टू हिल इन जम्मू एंड कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तरांचल, अरुणाचल प्रदेश एंड सिक्किम, और द प्लेन्स ऑफ हरियाणा, पंजाब, राजस्थान एंड गुजरात, you can see shepherd taking their herd of sheep of grazing, sheep are herbivorous and prefer grass and leaves, shepherd means bata lu jo bhed bakri palte hain poste hain, theek hai, unko shepherds bolte hain, to ye region ke naam diye hue hain, agar aap jahan bhi travel karte ho to yahan par ye sari varieties पाई जाती है, वो उनको कैसे उनको खाना खिलाते हैं, उनकी ग्रेजिंग कैसे होती है, और ये जितने भी हमारी ये शीप्स होती हैं दे आर हर्बीवोरस, ये हरी भरी घास भूसा ये सब खाती हैं। अपार्ट फ्रॉम ग्रेजिंग शीप्स रेयरिंग आल्सो फीड ऑन अ मिक्सचर ऑफ पल्सेस, ये पल्सेस भी दाना खाती हैं, कॉर्न खाती हैं, ज्वार, ऑयल केक्स मटेरियल, ऑयल केक्स कैप का मटेरियल लेफ्ट आफ्टर टेकिंग आउट फ्रॉम द सीड, जब सीड्स में से हम ऑयल को एक्सट्रैक्ट कर लेते हैं उसके बाद जो मटेरियल बचता है उसे हम ऑयल केक्स बोलते हैं। एंड मिनरल्स, और काफ़ी मिनरल्स, जरूरी नहीं है कि वो हरी भरी घास का है, उसके अलावा दे ईट ऑल ऑफ दीज, ठीक है। इन विंटर सीप्स आर कैप्ट इनडोर्स, उनको हम इनडोर्स में भी रख सकते हैं, मतलब दे आर वेरी ईजी टू प्रोड्यूस वूल्स, मतलब इन ये एक अच्छा सोर्स है इनकम का भी,
ठीक है, फेड ऑन लीव्स ग्रेन्स एंड ड्राई फोडर, फोडर मतलब सूखा भूसा, ठीक है। शीप्स आर रियर्ड इन अ मेनी पार्ट्स ऑफ अवर कंट्री फॉर वूल, गिवन द नेम ऑफ सम ब्रीड्स ऑफ शीप रियर्ड इन अवर कंट्री प्रोड्यूसिंग वूल। द क्वालिटी एंड टेक्सचर, क्वालिटी और टेक्सचर जो होता है वूल का, ऑफ द फाइबर ऑब्टेन फ्रॉम देम इज ऑल्सो इंडिकेट इन अ टेबल, ठीक है। ये टेबल आपके अभी नीचे गिवन है, वो उसमें दिया हुआ है। उसके बाद क्या है, फ्रॉम सर्टेन ब्रीड्स ऑफ शीप हैव अ थिक कोट ऑफ हेयर, कुछ ऐसी शीप्स होती हैं, मतलब ब्रीड मतलब कुछ ऐसी शीप्स की ऐसी नस्ल होती है, ठीक है, जिनकी एक थिक कोट ऑफ हेयर होता है देयर बॉडी विच यील्ड गुड क्वालिटी ऑफ वूल इन अ लार्ज क्वांटिटी। मैं आपको पहले से ही बताती हुई आ रही हूँ कि वूल ऐसा नहीं है कि सिर्फ शीप से ही मिले, वो याक से भी मिलती है, ठीक है, गोट से भी मिलती है, बट शीप्स एक ऐसी वेराइटी है, मतलब एक ऐसी नस्ल है, ऐसी ब्रीड है जिससे एक उसको जो हमें थिक कोट ऑफ हेयर प्रोवाइड करती है, ठीक है, गुड क्वालिटी बेस्ट क्वालिटी वूल इन अ लार्ज क्वांटिटी, जो हमें लार्ज क्वांटिटी में वूल चाहिए वो हमें इसके थ्रू मिलती है। एज मेंशन्ड अर्लियर द शीप्स आर सिलेक्टिव ब्रीड, सिलेक्टिव मतलब बेस्ट पेरेंट जो हमने यूज करें, विच वन पेरेंट बीइंग अ शीप ऑफ गुड ब्रीड। वंस द रियर्ड शीप, मतलब जो पालना पोषण हुआ शीप का, हैव डेवलप्ड अ थिक ग्रोथ ऑफ हेयर, अच्छे से पालन पोषण करने के बाद उनके जो थिक ग्रोथ ऑफ हेयर, हेयर इज अ शेप्ड ऑफ फॉर गेटिंग वूल, मतलब अब जो अच्छे से पालन पोषण किया वो बड़ी हो गई, उनकी वूल्स मतलब उनके हेयर इतने बड़े हो गए, तो उनको हमें शेप करना पड़ेगा, मतलब शेप्ड ऑफ, वहाँ से उनकी बॉडी में से हमको रिमूव करना पड़ेगा, ठीक है। आप समझिए कि ये प्रोसेस ऐसा हार्श नहीं होता है, उन लोगों को वो लोग हार्म नहीं पहुँचाते हैं, जैसे कि हमारे में हम लोग ट्रिमर करके, जेंट्स जो ट्रिम करते हैं अपने बालों को, वैसे ही इनके बालों को ट्रिम करके वहाँ से शेव्ड ऑफ किया जाता है। अब प्रोसेस है, प्रोसेस देखते हैं। द वूल विच इज यूज फॉर निटिंग स्वेटर और अ वीविंग शॉल इज द फिनिश प्रोडक्ट ऑफ लॉन्ग प्रोसेस, जो पूरा प्रोसेस जो हमारा लास्ट प्रोसेस होता है स्वेटर को बुनना, मतलब जो मार्केट में वूल बन के आ गई और जो वूल हमने खरीदी उससे हम स्वेटर बनाएंगे या शॉल बनाने में यूज करेंगे, वो हमारा लास्ट प्रोसेस होता है, फिनिश प्रोडक्ट होता है, विच इन्वॉल्व इन द फॉलोइंग स्टेप, वो जो प्रोसेस कैसे हुआ, हमें कैसे वो प्रोडक्ट मिला, वो सारे स्टेप्स में वी हैव कवर। स्टेप वन, द फ्लीस ऑफ शीप अलोंग विद अ थिन लेयर ऑफ स्किन इज रिमूव फ्रॉम इट्स बॉडी, जो फ्लीस मैंने आपको बताया हेयर होते हैं शीप के, वो क्या करते हैं हम रिमूव करते हैं बॉडी में से, दिस प्रोसेस इज कॉल्ड शियरिंग, उसको क्या बोलते हैं शियरिंग, दैट मीन्स उन बालों को उनकी बॉडी में से रिमूव करना, दिस प्रोसेस इज कॉल्ड शियरिंग। मशीन सिमिलर टू दोज यूज बाई बार्बर आर यूज टू शेव ऑफ हेयर, जो मशीन हम यूज करते हैं, जो बार्बर यूज करते हैं शेव ऑफ करने के लिए हेयर्स को, यूजुअली हेयर आर रिमूव ड्यूरिंग द हॉट वेदर, इनके जो हेयर्स होते हैं हॉट वेदर में वो लोग निकाल लेते हैं, रिमूव कर लेते हैं, क्योंकि विंटर में दोबारा से ग्रोथ हो जाती है उनके बालों की, जैसे हम लोगों के हेयर हम कट करवाते हैं वो फिर अगेन बड़े हो जाते हैं, ऐसे ही इन लोगों के में होता है, ठीक है। दीज एनेबल शीप्स टू सर्वाइव विदाउट देयर प्रोटेक्टिव कोट ऑफ हेयर, मतलब कि जब वो बार बार इनके बालों को कट करते हैं तो उनको विदाउट कोई हानि पहुँचाए हुए, कोई मतलब उनको हर्ट करे हुए, उन बालों को वो रिमूव करते हैं। द हेयर प्रोवाइड वूलन फाइबर, जो हेयर प्रोवाइड हम क्या मिलता है उनसे, वूलन फाइबर्स, ये हम एनिमल सोर्स पढ़ रहे हैं अभी तक। Woolen fibers are then processed to obtain woolen yarn. जो फाइबर मिला मैंने आपको स्टेप बताया है FYFAB, फाइबर से यान, यान से फैब्रिक, तो यह क्या हुआ, जो वूलन हमको फाइबर मिला प्रोड्यूस ऑप्टेन यान के लिए, अब हमें छोटे छोटे थ्रेड धागे मिल गए। शियरिंग डज नॉट हर्ट द शीप, जस्ट इट डज नॉट हर्ट वेन यू गेट अ हेयर ऑन योर फादर शेव हिज बियर्ड, मैंने आपको बता ही दिया था, उन्हें कुछ हर्ट नहीं करते हैं वो लोग, इजिली अपने उनके बालों को रिमूव कर देते हैं स्किन पर कोई हार्म पहुंचाए हुए। डू यू नो व्हाई द अपर मोस्ट लेयर ऑफ द स्किन इज डेड, ऑल्सो द हेयर ऑफ शीप ग्रो अगेन जस्ट योर हेयर डज, ये देखिए टेबल, वी हैव गिवन सम इंडियन ब्रीड ऑफ शीप, जैसे कि नेम ऑफ ब्रीड है, क्वालिटी उसकी वूल की क्या होती है, स्टेट वो कहाँ पर पाई जाती है, जैसे लोही है गुड क्वालिटी ऑफ वूल है जो राजस्थान पंजाब में पाई जाती है, रामपुर बुश हेयर है, एक ब्राउन फ्लीस है जिसके ब्राउन फ्लीस होते हैं उत्तर प्रदेश हिमाचल प्रदेश में, नाली है कारपेट, जो हम ये जो ब्रीड है वो हम कारपेट के लिए यूज करते हैं, इसकी वूल राजस्थान हरियाणा पंजाब में पाई जाती है ना। बकरवाल फॉर द वूल शॉल के लिए जम्मू एंड कश्मीर में,
मारवाड़ी है जो कोर्स वूल होते हैं, हार्ड वूल होते हैं इसके, वो गुजरात में पाई जाती है। और एक द है पाटनवाड़ी जो फॉर गुजरी गुजराकोजी कपड़े की, जो गुजरात में पाई जाती है। ये एक टेबल है, आप याद कर लीजिएगा। उसके बाद वी हैव स्टेप टू द शेयर स्किन। अभी तक शेयर ही हो गया प्रोसेस, ठीक है। देखिए स्टेप अभी एस एस से चल रहे हैं तो आपको याद करने में इजी रहेगा। द शेयर स्किन विद द हेयर थ्रोली वॉश इन टैंक टू रिमूव ग्रीस डस्ट एंड डर्ट। जो हमने बॉल सारे जो उनके हेयर दे फ्लीज रिमूव कर लिए, ठीक है। अब उनको हम वॉश करेंगे एक टैंक में उनके, टू रिमूव उसमें जो गंदगी है, डस्ट है, ग्रीस मतलब चिकना जो भी पार्ट है, ऑयली है, उसको निकालने के लिए, उसको रिमूव करने के लिए। दिस इज कॉल्ड अ स्कोरिंग। उसको हम क्या बोलते हैं, स्कोरिंग, ठीक है। सेकंड स्टेप है स्कोरिंग। नाउ डे स्कोरिंग इज डन बाय मशीन। आजकल ये सारे स्टेप मशीन्स के थ्रू होने लगे हैं। आफ्टर स्कोरिंग शॉर्टिंग इज डन। स्कोरिंग हो गया, स्कोरिंग के बाद व्हाट वी हैव, शॉर्टिंग इज डन। द शॉर्टिंग में क्या होता है, द हेयरी स्किन इज सेंट टू फैक्ट्री। जो हेयरी स्किन है उनको फैक्ट्री में भेजा जाता है। वेयर हेयर और डिफरेंट टेक्सचर आर सेपरेटेड एंड शॉर्टेड। शॉर्ट करना मतलब अलग अलग करना। अभी सारे टाइप्स के हमारे पास वूल्स वाले हेयर आ गए, ठीक है, उसको हमने साफ कर दिया। अब ये लोग क्या कर रहे हैं, उसमें से गंदगी निकालने के बाद उनको अलग कर रहे हैं, शॉर्ट कर रहे हैं, सेपरेट कर रहे हैं। नेक्स्ट फोर्थ स्टेप वी हैव द स्मॉल फ्लफी फाइबर्स कॉल्ड द बर्स, ठीक है। जो आपने देखा होगा कभी हम लोग वुलन क्लोथ्स पहनते हैं, शॉल्स पहनते हैं, तो हमारे रुए रुए ऊपर आ जाते हैं जिसे हम खींचने लग जाते हैं, ठीक है, प्लग करते हैं, तो दैट मीन्स उनको बर्स बोलते हैं। बर्स मतलब रुए बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं, बर्स आर पिक्ड आउट फ्रॉम द हेयर। दीज आर, उसमें जो रुए आ गए वो लोग उसमें से उसको हटाते हैं। दीज आर द सम बर्स विच Sometimes appears on sweater. The fibers are scored again and dry. उनको स्कोर करने के बाद वो क्या करते हैं, ड्राई करते हैं फाइबर्स को। This is the wool ready for drawn into fiber. अब वो जो पूरा वूल है रेडी हो गया है फाइबर्स के लिए। फाइबर्स बनाएंगे फिर उसको कन्वर्ट करने के बाद फैब्रिक में उसको कन्वर्ट करेंगे। अब ये पूरा प्रोसेस था वूल का, जो साफ कैसे करी उन्होंने, सेपरेट कैसे करी, उसमें से डस्ट कैसे निकाली, ठीक है। अब नेक्स्ट स्टेप है द फाइबर्स कैन बी डाइड। अब आपने देखी होंगी वूलन्स अलग अलग कलर्स की होती है, उनको हम डाई करते हैं। डाई मतलब कलर करना, किसी अलग अलग डिफरेंट कलर्स को उनके ऊपर चढ़ाना, ठीक है। हर कपड़े में आपने देखा होगा कि डाई की जाती है। द फाइबर्स कैन बी डाइड इन अ वेरियस कलर्स एज द नेचुरल फ्लीस ऑफ द शीप एंड गोट इज ब्लैक, ब्राउन एंड और वाइट। नेक्स्ट स्टेप इज द फाइबर्स आर द स्ट्रेटेंड कॉम्ब एंड द रोल इन टू यार्न। वो फाइबर है, अब नेक्स्ट स्टेप यार्न में कन्वर्ट करेंगे तो उसको कॉम्बिंग करेंगे, ठीक है। कॉम्ब करने के बाद उसको सेपरेट करेंगे, एक एक उसके जो छोटे छोटे थ्रेड्स हैं उसको सीधे स्ट्रेट करेंगे, ठीक है। द लॉन्गर फाइबर आर मेड इन टू वूल फॉर द स्वेटर। जो लंबे लंबे फाइबर्स होते हैं उनको यूज फॉर द स्वेटर। द शॉर्टर फाइबर्स आर स्पून एंड वूवन इन टू वूलन क्लोथ। उनको वूलन क्लोथ के लिए हम यूज कर, ये देखिए कि शेयरिंग, ये देखिए कि क्या हो रहा है कि आदमी रिमूव कर रहा है विदाउट उसको हार्म करे हुए, ठीक है। सेकंड में क्या, देखिए स्कोरिंग कर रहे हैं ये, उसको उसमें डर्ट वर्ड जितनी है टैंक्स में ले जाकर उसे साफ कर रहे हैं। थर्ड में क्या कर रहे हैं, मशीन्स के थ्रू उसको सेपरेट कर रहे हैं, जितने भी अलग अलग टाइप्स की वूलन उसको शॉर्टिंग कर रहे हैं, ठीक है। रोलिंग द या अब रोल में उसको कन्वर्ट कर रहे हैं, धागों को सेपरेट कर रहे हैं, ठीक है। ऑक्यूपेशनल हजार्ड्स क्या होता है, ऑक्यूपेशनल हजार्ड मतलब आप किसी जगह पर, किसी फैक्ट्री पर जहां आप काम कर रहे हैं वहां कोई रिस्क ना हो, ठीक है, विदाउट रिस्क एनवायरनमेंट, ठीक है। जहां पर एक ऐसा वर्क यूनिट है जहां पर कोई रिस्क वाली संभावना तो नहीं है, ठीक है। वहां पर सपोज कोई किसी फैक्ट्री में काम कर रहा है कोई आदमी, वहाँ पर कोई रिस्क असेसमेंट है, कोई रिस्क ऐसी चीज़ हो रही है जो उसे मतलब हानि पहुँचा रही है, तो वो इस चीज़ में है। वूल इंडस्ट्री इज़ अ इम्पॉर्टेंट मीन्स फॉर लाइवलीहुड फॉर मैनी पीपल इन अवर कंट्री, बट शॉर्टर्स जॉब इज अ रिस्क एंड समटाइम्स दे कैन इन्फेक्टेड बाई द बैक्टीरिया। देखिए कि जितने भी एनिमल्स हैं हम जानते हैं, वहाँ से हमने यानी वूल्स को प्रोड्यूस किया, ऑप्टेन किया, सॉरी ऑप्टेन किया, तो क्या है कि वो छोटे छोटे रुए होते हैं तो वो हमारी नेजल कैविटी में जाके अटैक करते हैं। दैट मीन्स उनमें भी बैक्टीरिया ही होंगे क्योंकि वो अनहाइजीनिक होते हैं। स्टार्टिंग में जब हम उनको निकालते हैं वो अनहाइजीनिक होते हैं, ठीक है, तो वो क्या करते हैं हमारे को, एक ये किसी इंसान को अगर इफेक्ट करता है तो उसके वो रेस्पिरेटरी ट्रैक को बहुत तरीके से उसे उसको क्या बोलते हैं, हार्मफुल होता है रेस्पिरेटरी ट्रैक के लिए। एंथ्रेक्स एक बीमारी है विच कॉज अ फेटल ब्लड डिजीज कॉल्ड अ शॉर्टर डिजीज, ठीक है। सच रिस्क फेस बाय वर्कर इन द एनी इंडस्ट्री कॉल्ड ऑक्यूपेशनल हजार्ड, मतलब काम करने वाली जगह पर कोई अगर ऐसी हजार्ड मतलब ऐसा रिस्क हो रहा है तो वो ऑक्यूपेशनल हजार्ड हो गया, ठीक है।
अब है नेक्स्ट भी एक्टिविटी है, एक डिबेट हो रहा है क्लास में इसके थ्रू, करियर शी वन द शॉप ऑफ देयर हेडिंग, ये आप पढ़िए ठीक है। ये आप लोग एक्टिविटी का तो स्टूडेंट्स के लिए आप इसको पढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगा कि एक्टिविटी में क्या हो रहा है। सिल्क, अब हमने वूल पढ़ा, अब हम पढ़ेंगे सिल्क। मैंने बताया ना एनिमल्स फाइबर्स में वी आर कम्प्लीटिंग वूल, अब नाउ वी आर कम्प्लीटिंग सिल्क ठीक है। सिल्क फाइबर्स आर ऑल्सो एनिमल्स फाइबर्स, सिल्क वर्म स्पिन इन द सिल्क फाइबर्स। जो सिल्क फाइबर कहाँ से ऑप्टेन हुआ, वो सिल्क वर्म से, मतलब इसको रेशमी कीड़ा भी बोलते हैं हम, सिल्क वर्म से ठीक है, जिसको हम बोलते हैं सिल्क फाइबर्स। द रियरिंग ऑफ सिल्क वर्म्स फॉर ऑप्टेनिंग सिल्क इज कॉल्ड सेरिकल्चर। जो मतलब रेयरिंग, मतलब मैंने बोला कि जिसका पालन पोषण करना, कैसे रख रखाव करना सिल्क वर्म को और वहाँ से सिल्क प्रोड्यूस करना, उसको हम बोलते हैं सेरिकल्चर। वेरी इंपॉर्टेंट टर्म फॉर यू फॉर द एग्जाम पर्पस ठीक है। सेरिकल्चर की डेफिनेशन याद कीजिए, फाइंड आउट योर मदर आंट ग्रांड मदर टू द काइंड ऑफ सिल्क साड़ीज दे हैव, द लिस्ट ऑफ द काइंड ऑफ द सिल्क। बिफोर वी डिस्कस द प्रोसेस ऑब्टेनिंग सिल्क, इट नेसेसरी टू नो द इंटरेस्टिंग लाइफ हिस्ट्री ऑफ सिल्क मोथ। नेक्स्ट वी हैव अ लाइफ हिस्ट्री ऑफ सिल्क मोथ, मतलब रेशमी जो कीड़ा है, एक जो सिल्क है हमारी, उसकी पूरी कैसी एक लाइफ हिस्ट्री है ठीक है, उसकी क्या लाइफ साइकिल है वो हम कवर करेंगे। द फीमेल सिल्क मोथ लेज एग ठीक है। पहले मैं आपको बता दूँ कि मेल सिल्क मोथ भी होते हैं और फीमेल सिल्क मोथ भी होते हैं, बट जो फीमेल होती है वो एग्स देती है, वो हैच करती है, फिर उससे हमें ऑब्टेन होता है सिल्क ओके। पूरी स्टेज में, पूरी लाइफ, पूरी जो एक साइकिल है उसमें मैं आपको बताऊंगी कैसे वो हमको मिलता है ठीक है। द फीमेल सिल्क मोथ लेज एग्स ठीक है, फ्रॉम विच हैच लार्वा विच आर कॉल्ड कैटरपिलर ठीक है। जो जो फीमेल होती है एट अ टाइम में, मतलब कितने मैं आपको बताऊँ, 100 से भी ज़्यादा वो एग्स ले करती है, एग्स देती है, उसके बाद वो हैचिंग करती है, उसे सेकती है, हैच लार्वा, वो लार्वा में कन्वर्ट होते हैं विच आर कॉल्ड कैटरपिलर, उसको हम क्या बोलते हैं, कैटरपिलर भी बोलते हैं और सिल्क वर्म भी बोलती है। दे ग्रो इन अ साइज एंड देन द कैटरपिलर इज रेडी टू एंटर द नेक्स्ट स्टेज ऑफ द लाइफ हिस्ट्री कॉल्ड प्यूपा। अब वो थोड़े बड़े हुए, साइज में थोड़े से इंक्रीज हुए, उसके बाद वो जो कैटरपिलर है, दैट मीन जो सिल्क वर्म है, इज रेडी टू एंटर द नेक्स्ट स्टेज, वो नेक्स्ट स्टेज में जाने के लिए रेडी है, तो उस स्टेज को हमने क्या नाम दे दिया, प्यूपा ठीक है। मैं आपको दोबारा से रिमाइंड कर देती हूँ कि सिल्क वर्म है जो हमारी, मतलब जो फीमेल सिल्क मोथ है, वो एग्स देती है, एग्स देने के बाद वो लार्वा में कन्वर्ट होते हैं, जो एग्स होते हैं हैचिंग के बाद, उसे लार्वा लार्वा बोलते हैं। लार्वा क्या होता है, कैटरपिलर में कन्वर्ट हो जाता है, उसको हम बोलते हैं कैटरपिलर या सिल्क वर्म। वो जो धीरे धीरे बढ़ती है, बढ़ने के बाद कैटरपिलर इज रेडी टू एंटर द नेक्स्ट स्टेज ऑफ लाइफ स्ट्रीज कॉल्ड प्यूपा। द फर्स्ट वीव्स नेट होल्ड, नेट टू होल्ड इटसेल्फ। जो फर्स्ट वीव, मतलब जो पहला उसका जो नेट होता है, मतलब जो थ्रेड लाइक धागा जैसा जाला होता है, उसको वो वीव करती है। एट, जैसे कि एट होता है ना हमारा, ये देखिए एट को हम कैसे ड्रॉ करते हैं, पहले यहाँ से स्टार्ट हुआ, फिर इसको कैसे किया, तो एट वो अपने आप को पूरा इस तरीके से स्ट्रक्चर बना दिए ठीक है। देन इट स्विंग्स, मतलब इट हैड फ्रॉम साइड टू साइड इन द फॉर्म ऑफ फिगर एट। एट से वो स्टार्ट करती है हेड से लेके ठीक है, उस टाइप से अपना स्ट्रक्चर मेंटेन करती है, और ड्यूरिंग दिस मूवमेंट ऑफ हेड द कैटरपिलर सीक्रेट फाइबर मेड ऑफ प्रोटीन। जो फाइबर सीक्रेट हुआ ठीक है, जो सिल्क सीक्रेट, जो फाइबर सीक्रेट हुआ वो प्रोटीन का बना होता है, उसमें प्रोटीन की कंटेंट होती है ठीक है। अब मैं आपको बता देती हूँ, इसमें एक दिया हुआ है डायग्राम, नहीं दिया हुआ है ठीक है। आई एड इसमें क्या मेल है फीमेल है, अडल्ट सिल्क वर्म बड़ी हुई, तो उसमें क्या हुआ, उसने ए बी सी एक्स ऑन मलबरी। हाँ मैं आपको बता दूँ कि जो जो लार्वा के बाद वो करती है, लार्वा जो बना हमारा, जब वो एग्स ले करती है तो मलबरी के लीव्स पर, एग्स ऑन मलबरी एक टाइप ऑफ प्लांट है ठीक है, लीव उसके प्लेट पे ये एग्स को ले करती है। फिर सिल्क वर्म मलबरी के बाद, मलबरी लीव्स में जो बड़े होते हैं इंक्रीज होने लग जाते हैं, वो सिल्क वर्म में कन्वर्ट होते हैं। सिल्क वर्म में कन्वर्ट होने के बाद वो कुकून की स्टेज में आते हैं, और कुकून विद अ डेवलपिंग मॉथ। और कुकून जो होता है, जैसे हम लोगों में स्टेज होती है, जब आप ह्यूमंस पढ़ेंगे, ह्यूमंस का जो बर्थ, बेबी का जो बर्थ होता है, उसमें स्टेजेस होती हैं, ऐसे इसमें है। सिल्क मोथ से लास्ट में जो छोटे छोटे एग्स कन्वर्ट हुए, एग्स को बड़े हुए लार्वा से, लार्वा कन्वर्ट हुए कैटरपिलर में, सिल्क वर्म में, मलबरी लीव्स पर वो बड़े हुए, सिल्क वर्म बनी, उसमें कुकून से कवरिंग होती है, उसमें से वो ब्रस्ट होने के बाद एक मोथ, फिर से वो मोथ बन जाते हैं, दैट मीन्स सिल्क मोथ बन जाते हैं।
उसमें से हम लोग उस रेशे को, मतलब रेशम जो है हमारा फाइबर को निकाल लेते हैं। ये हमारी एक पूरी लाइफ हिस्ट्री ऑफ सिल्क मोथ है, वो हम पढ़ेंगे। मैंने आपको बता दी कि प्रोटीन होता है उस फाइबर में विच हार्डन और एक्सपोज टू एयर, ठीक है, हार्ड होता है और एक्सपोज टू एयर एंड बिकम अ सिल्क फाइबर, सून द कैटरपिलर कम्प्लीटली कवर इटसेल्फ बाय फाइबर। थोड़ी देर दिनों बाद क्या होता है, जो कैटरपिलर है दैट मीन्स हमारी सिल्क वर्म है, ठीक, कम्प्लीटली कवर, अपने आप को कवर कर लेती है बाय द सिल्क फाइबर के थ्रू, हेड शेप में बनाती है वो। दिस कवरिंग इज नोन एज कुकून, उस कवरिंग को मैंने आपको बताया था क्या बोलते हैं, कुकून। द फर्दर डेवलपमेंट ऑफ द मोथ कंटिन्यू इन साइड द कुकून, ठीक है, सिल्क फाइबर आर यूज टू वीविंग सिल्क क्लोथ। मैं ये देखिए एक तरीके से ये अच्छा भी है, पर इसका एक डिसएडवांटेज क्या है, जब ये एग्स ले करती है सिल्क मोथ, ये हमारी फीमेल मोथ, ठीक है, तो इनके एग्स को इतना उबाला जाता है कि एक तरीके से उनको डेड कर दिया जाता है, ठीक है। तो ये कहीं ना कहीं इस चीज़ की ये एक डिसएडवांटेज भी है, हम सिल्क प्रोड्यूस करने के लिए इन जीवों को मार रहे हैं। पर रेशम जो एक्चुअली आजकल तो मार्केट में मतलब नेचुरल रेशम बहुत ही मिलता है, सारे आर्टिफिशियल या सिंथेटिक फाइबर्स, मतलब सिंथेटिक सिल्क हमको मिल रही है। पर जो तभी तो बोलते हैं रेशम की बनारसी साड़ी बहुत महंगी क्यों होती है, क्योंकि ये बहुत मतलब बोलते हैं ना, एक मेहनत के बाद, एक लंबे प्रोसीजर के बाद ये हमको प्रोड्यूस होता है। The further development of the moth continue inside the cocoon. The silk fiber are used for the weaving silk cloth. अब silk fiber ready हो चुका है silk cloth को बुनने के लिए। Can you imagine that the soft silk yarn, जो yarn मतलब thread थे, is as strong as the comparable thread of steel. जो silk के yarn होते हैं ना, वो बहुत strong होते हैं अगर comparison करें हम thread के steel के thread से। The silk yarn, यानी कि thread, is obtained from the cocoon of the silk moth. There is a variety of silk moth which look very different from one another and silk yarn, they are really different in a texture, coarse, smooth, shiny. Coarse मैंने आपको बताया hard को बोलते हैं, smooth बहुत soft, और shiny मतलब जो चमकीला, different types के silk हमको produce होते हैं। Thus the tasar silk and the munga silk and the kosa silk etc. different types के silk के name दिए हुए हैं, ठीक है, जो सिल्क मैंने अभी बताया कि सिल्क मोथ से प्रोड्यूस हुए, तो अलग अलग टाइप की वेराइटी प्रोड्यूस आर ऑप्टेन फ्रॉम द कुकून स्पून बाय द डिफरेंट टाइप्स ऑफ मोथ। द मोस्ट कॉमन सिल्क मोथ इज अ मलबरी सिल्क मोथ, जो कॉमन जो सिल्क हम यूज करते हैं वो होती है मलबरी सिल्क, ये आप नाम बहुत याद रख लीजिएगा। द सिल्क फाइबर फ्रॉम द कुकून ऑफ दीज मोथ इज सॉफ्ट, जो सिल्क जो फाइबर हुआ जो यान के थ्रू प्रोड्यूस हुआ, मतलब वो क्या होती है, ये जो मौत की जो मलबरी सिल्क बहुत सॉफ्ट होती है, लस्चियस मतलब चमकीली एकदम, द इलास्टिक मतलब बहुत फ्लेक्सिबिलिटी उसमें होती है, कैन बी डाइड इन अ ब्यूटीफुल कलर, उसको हम ब्यूटीफुल कलर में डाई कर सकते हैं। सेरीकल्चर और द कल्चर ऑफ सिल्क वर्म इज अ वेरी ओल्ड ऑक्यूपेशनल इन इंडिया। सेरीकल्चर मतलब पालन पोषण सिल्क वर्म का, वो एक बहुत पुराना ही व्यापार है इंडिया में। इंडिया प्रोड्यूसेस प्लेंटी ऑफ सिल्क ऑन अ कमर्शियल स्केल पर इंडिया काफी प्रोड्यूस करती है सिल्क को। एक्टिविटी नंबर 3.5 वी हैव, इसमें ये दिया है कि आप सिल्क क्लोथ को एक कहीं से कलेक्ट कीजिए, पेस्ट इन योर स्क्रैप बुक, मतलब अलग अलग टाइप के सिल्क, कोई रेड ब्लू, अलग अलग टाइप की वेराइटी को लीजिए और पेस्ट करिए उसकी आपकी स्क्रैप बुक में। यू कैन फाइंड दैम टेलर वेलर की शॉप से भी लाके उनको लाके कलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है क्लास। नेक्स्ट वी है हेल्प ऑफ योर मदर आंट और द टीचर एंड आइडेंटिफाइड द टाइप ऑफ सिल्क सच एज मलबेरी सिल्क, तैसार सिल्क, एरी सिल्क, मूंगा सिल्क, मैंने बताया था ये वेराइटी है सिल्क की। कंपेयर द टेक्सचर ऑफ सिल्क, अब उसको कंपेयर कीजिए विद दैट ऑफ द आर्टिफिशियल सिल्क पीस। मैंने आपको बताया था कि ये तो नेचुरल सिल्क है जो हम सिल्क वॉर्म से ऑप्टेन कर रहे हैं, पर मार्केट में सिंथेटिक और आर्टिफिशियल भी सिल्क अवेलेबल है, जो मैन मेड है, जिसको हम सिंथेटिक मतलब मैन मेड जो बनी होती है वो ये सिल्क है, और उससे कंपैरिजन कीजिए कि दोनों में क्या डिफरेंस है। विच कंटेन सिंथेटिक फाइबर, ट्राई एंड कलेक्ट पिक्चर और डिफरेंट मोड्स हुज कैटरपिलर प्रोवाइड द वेरियस टाइप ऑफ सिल्क। ये एक्टिविटी नंबर 3.6 है, इसमें बोला है कि आर्टिफिशियल ऐसे सिंथेटिक सिल्क लीजिए, थ्रेड प्योर सिल्क थ्रेड एंड अ प्योर, दोनों को लीजिए और उनको बर्न कीजिए, देखिए क्या होता है। तो मैंने आपको बताया सिंथेटिक में क्या होता है कि कभी कभी सब जलाने के बाद वो प्लास्टिक जैसा बन जाता है और आप उंगली पर चिपक जाता, स्टिक हो जाता है। तो स्मेल लाइक बर्निंग, बर्न अ वूलन फाइबर केयरफुली, डिड इट स्मेल लाइक बर्निंग और आर्टिफिशियल सिल्क और दैट द प्योर सिल्क, कैन यू एक्सप्लेन। ये आपने जनरली किए ही होंगे, ठीक है, ये आप करिए और इसको समझिए।
नेक्स्ट है 3.7 एक्टिविटी में फोटोकॉपी कर द पिक्चर ऑफ द स्टेज ऑफ लाइव हिस्ट्री ऑफ सिल्क मॉल पेस्ट ऑन वन पीस ऑफ कार्डबोर्ड, जो पूरी साइकिल है उसको पेस्ट कीजिए कार्डबोर्ड पर, ठीक है ये हो गया। अब ये ब्लू ब्रैकेट में जो है वो हम पढ़ते हैं, इन इंडिया वुमेन्स आर सिग्निफिकेंटली इन्वॉल्व इन वेरियस काइंड्स ऑफ इंडस्ट्री रिलेटेड टू सिल्क प्रोडक्शन, ठीक है। द रियरिंग ऑफ सिल्क वर्म, रीलिंग ऑफ सिल्क फ्रॉम कोकून्स एंड प्रोसेसिंग ऑफ रॉ सिल्क इनटू फैब्रिक्स बाय देयर एंटरप्राइजेस दे कंट्रीब्यूट टू द नेशंस इकोनॉमी। चाइना लीड्स द वर्ल्ड इन सिल्क प्रोडक्शन, इंडिया आल्सो रैंक अमंग द लीड सिल्क प्रोड्यूस कंट्री। इसमें बताया कि हमारे इंडिया की जो पीपल्स हैं, लेडीज हैं, कैसे सिल्क इंडस्ट्री में अपना काम करती हैं, सिल्क प्रोड्यूस करती हैं, ठीक है, उसका कैसे पालन पोषण करती हैं, उनका रख रखाव, उनको किस कंडीशंस में रखना है, ठीक है। रीलिंग में मैंने जो कुकून से फाइबर बनाया जाता है उस प्रोसेस को रीलिंग बोलते हैं, ठीक है। मतलब मैं आपको बता दूं कि इसमें क्या है कि कुकून जो कलेक्ट किया हमने पूरा फाइबर, ठीक है, उसके बाद क्या बोलते हैं उसको हम रीलिंग करते हैं, जो हमने जितने भी सिल्क आया कुकून और फाइबर में कन्वर्ट किया उसे रीलिंग बोलते हैं, और फाइबर से यान में स्पिनिंग बोलते हैं, और यान से फैब्रिक में उसे वीविंग बोलते हैं, ठीक है। ये पूरा प्रोसेस है वही हमको इसमें दिया। उसमें बताया कि चाइना लीड्स द वर्ल्ड इन सिल्क प्रोडक्शन, इंडिया आल्सो रैंक द लीडिंग सिल्क प्रोडक्शन कंट्रीज। अब हमको कुकून मिल गया। कुकून जो मैंने बताया था जो ब्रस्ट होके जो कुकून मतलब उसमें थ्रेड लाइक एट शेप बन जाता है, ठीक है, वही कवरिंग होती है, उसमें से अब सिल्क को कैसे प्रोड्यूस करेंगे, ठीक है। ये थोड़ा आपको सुनने में ऐसा लग रहा होगा कौन सी स्टेज आ रही है, अब क्या हो रहा है, बट आप एक बार रीड करेंगे और उसको अंडरस्टैंड करेंगे तो आपको समझ आ जाएगा। फॉर ऑब्टेनिंग सिल्क मोथ, सिल्क मोथ्स आर रियर्ड एंड देयर कोकून्स आर कलेक्टेड टू गेट अ सिल्क। अभी अब सिल्क ऑब्टेन करने के लिए व्हाट वी हैव टू डू, मोथ्स को जो हमने रियर किया, ठीक है, दे कोकून्स आर कलेक्ट किए, दे गेट अ सिल्क थ्रेड। ये सब हम क्यों कर रहे हैं, क्योंकि हमको सिल्क प्रोड्यूस सिल्क ऑब्टेन करनी है। रियरिंग में क्या होता है, रियरिंग में अ फीमेल सिल्क मोथ लेज हंड्रेड ऑफ एक्स एट अ टाइम। मैंने बताया था कि हंड्रेड्स ऑफ एक्स देती है एट अ टाइम में। द एक्स आर स्टोर्ड केयरफुली ऑन अ स्ट्रिप ऑफ क्लॉथ और पेपर, उसको क्लॉथ और एक अच्छे पेपर पे उसको स्टोर करते हैं उनके एक्स को, सोल्ड टू सिल्क वर्म फार्मर। और जो सिल्क वर्म जो सिल्क फार्मर्स होते हैं जो सिल्क वर्म के थ्रू सिल्क ऑब्टेन करते हैं उनको वो बेच देते हैं। द फार्मर्स कीप एग अंडर हाइजीनिक कंडीशन, साफ सुथरी कंडीशन में रखते हैं फार्मर्स एग्स को, अंडर द सूटेबल कंडीशन ऑफ टेम्परेचर एंड ह्यूमिडिटी। जो टेम्परेचर चाहिए पर्टिकुलर उनको, और जो ह्यूमिडिटी चाहिए वो उनको उस कंडीशन में रखते हैं। द एग्स आर वार्म टू सूटेबल टेम्परेचर फॉर लार्वा टू हैच फ्रॉम द एग्स। जो लार्वा हैं उस सूटेबल कंडीशन रखते हैं कि एग से वो लार्वा में कन्वर्ट हो जाए एक पर्टिकुलर इन्वायरमेंट में, ठीक है। अभी तो क्या था कि सिल्क मॉथ में ये प्रोसेस होता था, अब ये क्या है बाई ह्यूमंस के थ्रू जो फार्मर्स हैं वो इस प्रोसेस को कर रहे हैं। दिस इज डन बाई व्हेन मलबेरी ट्रीज बेयर अ फ्रेश क्रॉप ऑफ लीव्स द लार्वा कॉल्ड द कैटरपिलर। मैंने आपको बताया था कि वो मलबेरी ट्रीज पर अपने एग्स लेकर दिए, और जो मलबेरी ट्रीज पर सुबह से उसको करते हैं वो फ्रेश क्रॉप्स वहाँ से क्या है वहाँ से उसको लार्वा में कन्वर्ट करते हैं। लार्वा किस चीज में कन्वर्ट होती है, कैटरपिलर में, ठीक है। ईट डे एंड नाइट एंड इंक्रीज इनॉर्मसली इन साइज, ठीक है, वो बढ़ती जाती है मतलब इंक्रीज होती है अपने साइज में, और वो चेंज हो जाती है, वो स्टेज होती है वो प्यूपा स्टेज होती है जब वो बढ़ती है। ये देखिए रियरिंग कैसे हुई है, ये एक लीव है सिर्फ मलबरी प्लांट का, ठीक है। स्टेज ए से स्टार्ट करते हैं, ए है फीमेल सिल्क वर्म, एग दे दी उसने भी मलबरी ट्री उसकी लीव पर, ठीक है। ए बी सी है हमारा लार्वा कैटरपिलर से वो फीडिंग ऑन द मलबरी लीव, वो यहाँ से अपना न्यूट्रिशन लेती है। डी हमारी कुकून से कन्वर्ट होगा, कुकून के थ्रू हम सिल्क निकाल लेते हैं। डिस्कवरी ऑफ सिल्क, डिस्कवरी कैसे हुई सिल्क की, इसमें एक स्टोरी दी हुई है, ये क्लास आप एटलीस्ट इसको तो पढ़ लीजिए, ठीक है। द वर्म्स आर कैप्ट इन अ क्लीन बैम्बू ट्रेज अलोंग विद द फ्रेशली चॉप्ड मलबरी लीव। आफ्टर 25 टू 30 डेज द कैटरपिलर स्टॉप ईटिंग मूव्स टू टाइनी चैम्बर ऑफ बैम्बू इन अ ट्रेज इन अ स्प्रिंग कुकून। अब वो जो वर्म्स जो थी एक क्लीन बैम्बू की ट्रे पर रखी हुई थी, जो मैंने बताया था ये लोग फ्रेश उस पर रखते हैं ट्रे पे फ्रेशली चॉप्ड मतलब लीव्स को पर्टिकुलर मतलब उसमें प्रॉपर वे में उसको कट करने के बाद आफ्टर 25 टू 30 डेज द कैटरपिलर स्टॉप ईटिंग एंड द मूव टू टाइनी चैम्बर ऑफ बैम्बू इन अ ट्रे इन अ स्प्रिंग कुकून। द स्मॉल रैक्स एंड द स्कोर क्विंग्स भी बोलते हैं मे बी प्रोवाइड इन द ट्रेज विच कुकून गेट अटैच।
उसके बाद क्या करते हैं, उस ट्रे पर वो कुकून अटैच्ड हो जाते हैं, जो मैंने बताया था कवरिंग होती है कुकून, द कैटरपिलर और सिल्क वर्म स्पिन, ठीक है, द कुकून इनसाइड व्हिच डेवलप द सिल्क मोथ, ठीक है। अब ये इसमें क्या है, प्रोसेसिंग, सिल्क की प्रोसेस कैसे हो रही है, पूरा प्रोसेस जो अभी तक हमने पढ़ा, अब लास्ट स्टेज आ गई प्रोसेसिंग सिल्क। अ पाइल ऑफ कुकून इज यूज फॉर ऑब्टेनिंग सिल्क फाइबर, द कुकून्स आर केप्ट अंडर द सन और बॉइल्ड एक्सपोज टू देम। मैंने बताया जो एग्स होते हैं जितने उनको एक्सपोज किया जाता है सन में या हीट गर्म इन्वायरमेंट में या बॉइल किया जाता है, ठीक है, सिल्क ऑब्टेन करने के लिए। द सिल्क फाइबर, द सिल्क फाइबर सेपरेट आउट, उसमें से सिल्क फाइबर को सेपरेट कर लेते हैं, उसमें क्या होता है पानी के लेयर पर ऊपर ऊपर रेशमी धागे आने लग जाते हैं, ठीक है, तो उसमें उसको सेपरेट आउट कर लेते हैं। द प्रोसेस ऑफ टेकिंग आउट थ्रेड्स फ्रॉम द कुकून फॉर यूज अ सिल्क इज कॉल्ड रीलिंग सिल्क। इस प्रोसेस को बोलते हैं रीलिंग द सिल्क। द रीलिंग इज डन इन अ स्पेशल मशीन विच अनवाइंड द थ्रेड्स ऑफ फाइबर्स ऑफ सिल्क फ्रॉम द कुकून। द सिल्क फाइबर आर देन स्पून इनटू सिल्क थ्रेड विच आर वूवन इनटू सिल्क क्लोथ बाय द वीवर। पूरी सिल्क हमें मिलकर आ गई, तो उसमें क्या किया था कि रीलिंग प्रोसेस हो गया रीलिंग मशीन्स के थ्रू, विच अनवाइंड मतलब अनवाइंड मतलब जो खुले हुए थ्रेड्स हैं उसको क्या करा हमने सिल्क फाइबर देन स्पिन इनटू लाइक सिल्क थ्रेड्स में कन्वर्ट करने के बाद उसको वीवर्स मतलब एक प्रॉपर वे में उसको रोल करते हैं, बुनते हैं, जो आगे के जितने भी प्रोसेस होते हैं वो सिल्क हमें मिलने के बाद वो लोग करते हैं। आई होप आपको ये चैप्टर बहुत ईजी समझ में आया होगा। कुछ अगर कोई भी प्रॉब्लम हो तो यू कैन आस्क मी वेरी क्लियरली। इसमें कुकून्स कीवर्ड्स वी हैव डन फ्लीस रीलिंग स्कोरिंग सेरिकल्चर, ये प्रोसेस हमने जो पढ़े थे उसमें सारे ऐसे ऐसे हैं, आप याद रखिए। सिल्क मोथ क्या होती है, सिल्क वर्म शॉर्टिंग, ठीक है। व्हाट यू हैव लर्न, एक ब्रीफ रिकैप करते हैं। सिल्क कम्स फ्रॉम सिल्क वर्म एंड वूल फ्रॉम शीप गोट याक, हैज अ सिल्क एंड वूल आर एनिमल फाइबर, ये एनिमल फाइबर्स हैं हम जानते हैं। द हेयर्स ऑफ कैमल लामा एंड अल्पाका ऑल्सो प्रोड्यूस The process to yield wool in India, the mostly sheep are reared for getting wool. ठीक है, sheep hair is a shear from the body, coat, short, dried, spun and woolen to yield wool. Silkworm are caterpillar of silk moth. हम जानते हैं silkworm are caterpillar of silk moth है, ठीक है। During this life cycle, the worm spin cocoon of silk fiber. The silk fiber are made of a protein, as we know. Silk fibers are coconut taken out and reeled into silk thread. पूरा प्रोसेस होने के बाद what we get silk thread. The weavers weave silk thread into silk cloth. Class we have done this chapter. Exercise you have. Please इस exercise को आप करिए, अगर कोई भी problem आती है तो you can ask me. Exercises are very easy. Okay class. Bye. Take care and please subscribe my channel and like the page. Thank you so much.